अपार्टमेंट बिल्डिंग के नाम पर कमर्शियल तामीरात, एलडीए का नक्शों पर कमर्शियल फीस लागू करने का फैसला। नक्शा फीस 5 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये स्क्वायर फीट करने की तजवीज़। एकनाल अपार्टमेंट बिल्डिंग की नक्शा फीस 4 लाख हो जाएगी। एजेंडा गवर्निंग बॉडी को इरसाल कर दिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर दिवालिया होने के करीब। जनरल और डेवलपमेंट अकाउंट्स में सिर्फ 50 करोड़ बाकी। एमसीआर को 6 अरब 50 करोड़ की वसूली का टारगेट मिला। सिर्फ 69 करोड़ रिकवरी हुई। लाहौर पार्किंग कंपनी 1 अरब की नादहिंदा। अर्बन एक्साइज टैक्स 1 अरब 30 करोड़ वसूली में नाकाम रहा। समनाबाद मोड़ पर अंडरपास बनेगा। 2 अरब रुपये का PC1 मंजूर। PND से मंजूरी के बाद फिजिकल वर्किंग शुरू। ऑनसोर्स या ADP फंडिंग का तायुन बाद में होगा। मेगा मंसूबा सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल के हलके में मुमकिन मुकम्मल किया जाना है। दिल के मरीज दिल थाम लें। जनरल अस्पताल में इकोकार्डियोग्राफी की 4 जदीद मशीनें गैर फॉल। IC मेडिकल यूनिट एमरजेंसी की मशीनें बंद। दिल की बेतरबियत धड़कनों के इलाज के लिए आने वाले परेशान मरीज प्राइवेट लेबॉरेटरी से इको टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। डेंगू के हमलों में तेजी। मजीद 79 नए मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 159 हो गई। शहर में 1785 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगू लादवा तलब किया गया। डिप्टी कमिश्नर की जेरे सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर जायजा इजलास। महकमे सेहत का डेंगू का दुरुस्त डाटा जमा न करने का इंकशाफ। प्राइमरी हेल्थ इदादोशुमार छुपाने लगा। PITV के डैशबोर्ड पर भी डेंगू का डाटा अधूरा। मर्ज की रोकथाम में मुश्किल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफसल की काम से माजरत। 14 रोज की रुख्सत पर चले गए। अब्दुल्ला सुंबल को चीफ सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज मिल गया। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते थे। रात को तमाम सेक्रेटरीज को डिनर भी दिया गया। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से जायरीन की आमद। चादरें चढ़ाई जा रही हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हुस्न इखलाक से गैर मुसलमों को गर्विदा इस्लाम किया। तसव्वुफ और फिक्र की जो शमा रोशन की, उसकी किरणें आज भी अमन भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम कर रही हैं। उर्स के दूसरे रोज महफिल समा मारूफ कवालों ने नजराने। दाता की नगरी में मेला अपने जोबन पर। मजार बरकी कुमकुमों से जगमगाने लगा। हजारों लोग खालिस दूध की रवायती सबील से लुत्फंदोज। डोलचियों का भी अकीदत का इजहार। सिक्योरिटी के लिए 3000 पुलिस अहलकार तैनात हुए। अकीदतमंदों की 3 दर्जाती चेकिंग। अतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रूट जारी कर रखा है। उर्स दाता दरबार पर कल शहर में आम तातील। दफातर स्कूल अदालतें कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। चेहरम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए इंतजामात मुकम्मल। मरकजी जुलूस कल अलफ शाह की हवेली से बरामद होगा। सिक्योरिटी के लिए 8000 अहलकार तैनात। CCPO लाहौर कहते हैं कि सेफ सिटी समेत सैकड़ों कैमरों से निगरानी की जाएगी। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद का हवेली अलफ शाह और पांडू सचीत का दौरा। लाहौर में दफा 144 नाफिज। कल डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मरकजी जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस जैम रहेगी। शहर की अहम शाहराओं पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। रेलवे स्टेशन, जेल रोड, कैनाल रोड, माल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शादमान गढ़ी शाहू सगियां पुल पर भी कई घंटे से गाड़ियां फंसी हैं। शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। शजरकारी के लिए मौजूद फंड इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। मुहिम के तहत दिया गया 1% फंड इस्तेमाल ना हो सका। शजरकारी के लिए फंड्स कटौती हुई मगर अमल दरामद नहीं हुआ। महकमे मवासलात का तहफुजात का इजहार। शाही किला की बहाली का फैसला। हुकूमत फ्रांस से 3 अरब 66 करोड़ कर्ज लेगी। लोकल गवर्नमेंट वॉल्ड सिटी हुकाम जल्द AFD बैंक से मुआहदा करेंगे। शाही किला की बहाली पर 4 अरब रुपये का तखमीना है।
रेवेन्यू दस्तावेजात के लिए सुर्ख कलम के इस्तेमाल पर पाबंदी। तहसीलदार दरख्वास्त का अलग रजिस्टर मुरतब करके एंट्री करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का भी कह दिया। जेलों में कमर्शियल लॉन्ड्री बनाने का फैसला। कैदी कपड़े, कंबल, चादरें धुलवा सकते हैं। IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम से UNODC और महकमा सेहत की टीम की मुलाकात। डॉक्टर मंजूरुल हक की कैदियों को एड्स, TB और हेपेटाइटिस से बचाव की तदाबीर पर बातचीत की गई। तबादलों की नदी में एक मरतबा फिर से तुगयानी। 3 ऑफिसर अपनी सीट पर ना रहे। मारिया तारिक का महकमे बल्दियात से तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन ताजुनात राशिद इरशाद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमे बल्दियात मुकर्रर। महकमे एजुकेशन के खालिद परवेज को OSP बना दिया गया। आधा तालीमी साल गुजर गया। मैट्रिक के तुलबा को प्रैक्टिकल कापियां ना मिली। सरकारी स्कूलों में प्रैक्टिकल्स का भी बाकायदा आगाज ना हुआ। बोर्ड इम्तिहानात शुरू होने में सिर्फ 5 माह रह गए। लाखों बच्चे परेशानी का शिकार। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्रैक्टिकल की नई कापियों के लिए दिसंबर या जनवरी की तारीख दे दी। डॉलर की बैरून ममालिक गैर कानूनी मुंतकली और सट्टाबाजी रोकने के लिए हसास इदारे हरकत में आ गए। एयरपोर्ट्स पर मजीद सख्ती। दीगर एजेंसीज के साथ हसास इदारे के मुलाजमीन भी तैनात। वजीर आला परवेज इलाही के मुशीरान की ताजुनात की लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर को फरीक बनाया गया। परवेज इलाही ने 30 से जायद अफराद को सियासी मुशीर ताजुनात किया। ताजुनाती का अदब करार देने की इस्तदा। खातून को जिंसी हरासा करने का मामला। कप्तान बाबर आजम की अंदराज मुकदमे के हुक्म काले दम करार देने की दरख्वास्त। जस्टिस शोहराम सरवर की केस दूसरी अदालत भिजवाने की सिफारिश। फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवा दी गई। दुल्हन का लहंगा बर वक्त तैयार ना होने पर शादी मुलतवी का केस। प्रीति ब्राइडर गुलबर्ग के मालिक के खिलाफ हर जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने 4 अक्टूबर को तलब कर लिया। वजीर आला परवेज इलाही से स्पेन के सफीर जोजफ एंटोनियो की मुलाकात। तजारती, सनती और जरिए शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने से मुतालिक भी तबादला किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाइना रेलवे चेन फेंग का पंजाब सेफ सिटीज का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कामरान खान की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग। चीनी मेहमान को यादगारी शील्ड पेश की गई। सीनियर वजीर असलम इकबाल की LDA 1 विंडो सेल में खुली कचहरी। शहरियों की शिकायत पर अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर की सुबह 9 बजे के बाद दफ्तर आने वालों को मुअत्तल करने की हदायत। LDA अफसरान के लिए खुशखबरी। शोभा टाउन प्लानिंग के ग्रेड 17 के 10 अफसरान पक्के हो गए। लंपी स्किन वैक्सीन की इंपोर्ट से मुतालिक टेक्निकल कमेटी का इजलास। प्रोफेसर ताहिर याकूब, डॉक्टर मोहम्मद अफसर समेत कमेटी के डायरेक्टर जर्नल्स, डायरेक्टर वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की शिरकत। वैक्सीन की इंपोर्ट के लिए तकनीकी मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का थाना लिबर्टी का दौरा। फ्रंट डेस्क, SHO दफ्तर, हवालात का मुआयना किया। FIR के इंदराज, साइलिन के मसाइल हल करने की हदायत। IG पंजाब ने यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के वफ की मुलाकात। शफीक चौधरी, अदनान रफीक, कोमल दिलशाद शामिल। खवातीन अहलकारों के मसाइल के हल पर तबादला ख्याल। तरक्की पाने वाले 47 ASIs को बैच लगाने की तकरीब। CCPO SSP एडमिन ने अहलकारों को रैंक लगाए। तरक्की पाने वालों में अंजुम सोहेल, अख्तर अली नदीम शामिल। मोहम्मद अशरफ, इफ्तिखार, साजिद महमूद को भी तरक्की मिली। आए सब मिलकर सैलाब जदगान की मदद करें। हेड ऑफिस में सिटी न्यूज नेटवर्क का इमदादी कैंप जारी। खिदमत के मिशन में आप भी आगे बढ़िए। City42 का साथ दीजिए। सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम। मुतासरीन को छत मुहैया करने के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया। शहीद मुहतरमा बेनजीर भुट्टो स्टेडियम लाड़काना में 400 से ज्यादा कैंपों में 3000 मुतासरीन कैंप पजीर। फ्री मेडिकल कैंप कायम। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड पेशेंट डे पर सेमिनार हुआ। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद,
प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर बल्कीस शबीर की शिरकत। तकरीब में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी शरीक था। इच्छा के अली बाजार में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का संगे बुनियाद। जमात इस्लामी ने शहरियों का दरीना मसला हल कर दिया। लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच, जावेद हुसैन, अता शाबान, अहमद उमैर की शिरकत। साबिक वफाकी वजीर सरदार मकसूद लगारी की गुलबर्ग में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में लीगी रहनुमा उवैस खान लगारी, शफकत महमूद, मोनी सिलाही, मंसूर लगारी समेत दीगर की शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी शोभा की डिग्री दोबारा शुरू करने की इजाजत। महकमे हायर एजुकेशन ने NOC जारी कर दिया। खानाए फरहंग ईरान के ज़ेरे तमाम महफिल मुसालमा शोहदाए करबला को लफ्जों का खराज तहसीन पेश। डॉक्टर सैयद फरहत अब्बास, करामत बुखारी, शहनाज नकवी, राबिया रहमान, मोहम्मद अली साफी की शिरकत। शगुफ्ता गजल हाशमी, मुमताज रशीद लाहौर भी आए। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तहत प्रोटीन की अहमियत पर सेशन। चेयरमैन एसोसिएशन राना सज्जाद अर्शद का लेक्चर। जुगन काजम और अली हमजा मेजबान बने। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान की खसूसी शिरकत। डॉक्टर तलत नसीर पाशा और गोल्ड मेडलिस्ट वेटलिफ्टर नो बट को शील्ड से नवाजा गया। Zameen.com और आईकॉन डेवलपर्स ने बीच रिजॉर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। 104 कनाल पर मुहित 10 मंजिला 8 रिहायशी टावर बनेंगे। मंसूबे में 1 से 3 बेड के अपार्टमेंट शामिल। तकरीब में चौधरी लाइफ इफ्तिखार, हफीज अली रेहान, हाफिज उस्मान और शेख शकील की शिरकत। जिमखाना में 39वें गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट का आगाज। 350 गोल्फर शरीक, 149 इमेचोर, 82 सीनियर गोल्फर मद्दे मुकाबल। हसन समीउद्दीन इवेंट में अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। पहले रोज मेंस इमेच्योर इवेंट के 18 होल्स खेले गए। मैकडोनल्ड के जेर एहतमाम नेशनल इंटर स्कूल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप डीजी स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी ने इफ्तिताह किया। पहले रोज नौजवान तैराकों ने खूब जान लड़ाई। 8 साल के बच्चों से लेकर 18 साल तक के नौजवानों की शिरकत।